हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और सारे एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पर आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुदखेड़ बीज रहित एक किस्म है। तो आपको जो मुदखेड़ सीडलेस वैरायटी है वो बताना है कि किसकी वैरायटी है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास है स्वीट ऑरेंज, मैंडेरिन, कागजी लाइम या फिर लेमन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है मैंडेरिन। अब जो मैंडेरिन है वो किस ग्रुप के अंदर आता है? सिट्रस, ठीक है। अब जो सिट्रस ग्रुप होता है उसके बेसिकली फोर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो मैंडेरिन, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है स्वीट ऑरेंज, और थर्ड होता है जिसमें लाइम और लेमन्स आते हैं जिसमें, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ है वो है ग्रेप फ्रूट। तो ये जो फोर हैं ये सिट्रस ग्रुप के पार्ट होते हैं, ओके। अगर हम बात करें मैंडेरिन ग्रुप के बोटैनिकल नेम की, तो इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलाटा, ओके। और फैमिली क्या होती है? रुटेसी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली रुटेसी। तो इसकी फैमिली होती है रुटेसी, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉरिन 10 इज़ द सोर्स ऑफ डॉफिंग जीन। तो जो नॉरिन 10 होता है वो एक सोर्स है किसका? डॉर्फिंग जीन का, जिसे यहाँ पे लिखा गया है। नॉरिन 10 जीन किस फसल में बौनपन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये किसकी फसल है बेसिकली, किसकी वैरायटी है, किस क्रॉप की? ऑप्शंस हमारे पास हैं राइस, बार्ले, वीट या फिर मेज़। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है वीट, ठीक है। अगर हम बात करें वीट की, तो इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना अर्धबोनी किस्म है। कल्याण सोना इज सेमी ड्रॉफ वैरायटी ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास है गेहूं, चावल, जौ या फिर मक्का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है गेहूं। तो जो कल्याण सोना होता है वो किसकी अर्धबोनी किस्म है? गेहूं की है। और जो कल्याण सोना होता है वो किससे बना है? वो बना है कल्याण 227 और सोना 227 से। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में C4 भाग होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है C4 पार्ट्स? यहाँ पे करेक्ट आंसर है सॉर्गम, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ C4 प्लांट? तो आपको बेसिकली यहाँ पे इन जो भी आपको यहाँ पे क्रॉप दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि C4 प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास है सॉर्गम, शुगरकेन, मेज और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। तो सॉर्गम, शुगरकेन और मेज, ये सारे C4 प्लांट्स हैं। अगर आपको C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स के बारे में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने ब्रीफली इन दोनों प्लांट्स के बारे में बताया है। इनकी जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उनको देखिएगा, उसमें आपको C4 और C3 प्लांट का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज हॉर्स ग्राम, घोड़े के चने के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस आर काबुली चना, कुतली बीन, अरहर या फिर काला चना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है कुल्थी बीन, ओके। सो दिस वॉज आर करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप के कॉमन नेम्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे पूछा है हमें कि हॉर्स ग्राम किसका कॉमन नेम है, तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ मैंगो की, है ना, तो मैंगो को हम क्या बोलते हैं? बाथरूम फ्रूट बोलते हैं,
ठीक है, तो इस टाइप को के लिए आपको याद रखने हैं सारे ही फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के अगर होते हैं तो, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, गन्ने का पहला तुषार किसकी कमी के कारण होता है? पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज़ ड्यू टू लैक ऑफ, ऑप्शंस हमारे पास हैं आयरन, मैग्नीज, सल्फर या फिर कॉपर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है मैग्नीज, ठीक है। और अगर हम बात करें शुगर केन की, तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम ऑफ द प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम डैश ऑफ द एम्ब्रियो। तो आपको बताना है कि जो प्लांट का स्टेम होता है वो एम्ब्रियो के किस पार्ट से डेवलप होता है, ठीक है, किस पार्ट से विकसित होता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं प्लीम्यूल, थॉर्न्स, एक्सिस या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है प्लीम्यूल। अगर हम बात करें सीड की, तो सीड इस टाइप का होता है कुछ, और यहाँ पे ये रेडिकल है, ठीक है, और इसी से कनेक्टेड एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये प्लीम्यूल है और ये पार्ट क्या है, रेडिकल। तो जो ये प्लीम्यूल है, इसी से ही प्लांट का क्या स्टेम अराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइजेंथमम इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट। तो आपको बताना है कि जो क्राइजेंथमम है वो शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल है या फिर नन ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है शॉर्ट डे। अब शॉर्ट डे का क्या मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जिनको जो डे लाइट है वो 12 आवर्स से कम चाहिए, ठीक है। 12 आवर्स से कम अगर डे लाइट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, क्राइजेंथमम। ओके, 9th क्वेश्चन है, कैरियोफिलेसियस बिलोंग्स टू फैमिली। ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑर्किडेसी, मेसेसी, कैरियोफिलेसिए या फिर एरिएसी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है कैरियोफिलेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूपिंग ऑपरेशन इज एडॉप्टेड इन विच क्रॉप। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है जहाँ पे स्कूपिंग ऑपरेशन अपनाया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, नॉलखोल या फिर केल। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो जो स्कूपिंग ऑपरेशन है वो जनरली हम किस में करते हैं, फूल गोभी में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो उत्तराखंड में एग्जामिनेशन होने वाला है, वो सितंबर में होगा, ठीक है, और जल्दी इसकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की डेट पता चलेगी। तो आप अपनी अब प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, जो आपका जो स्कोर है, फाइनल स्कोर है, उसको बूस्ट करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। उसमें बेसिकली जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, 5 टेस्ट होंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 250 होंगे, और मीडियम हमारा इंग्लिश है अभी, और हिंदी के लिए भी जल्द ही टेस्ट सीरीज़ लाइव होने वाली है, तो जिसकी जानकारी हम आपको दे देंगे जब हिंदी की हमारी टेस्ट सीरीज़ लाइव होगी। ओके, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप आकलन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आकलन आपको ऐप को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं, और प्राइस बहुत ही मिनिमम रखी गई है, तो आप सभी लोग इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, और हमने पिछली जो टेस्ट सीरीज़ हमारी यूट्यूब चैनल में आई थी, हमने उसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, और काफ़ी बच्चों ने इसको लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीहॉल्मिंग अकर्स इन। तो आपको बताना है कि जो डीहॉल्मिंग होता है वो कौन सी क्रॉप में होता है, प्याज, आलू, चावल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, जो कि है पोटैटो। तो जो डीहॉल्मिंग प्रोसेस होती है वो जनरली आलू में की जाती है, और हार्वेस्टिंग के 10 to 12 days पहले प्रोसेस की जाती है डीहॉल्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंजीसाइड। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन
सा क्या है, कवकनाशी है। ऑप्शंस हमारे पास है थायरम, कैप्टन, जिनेब या फिर ऑल ऑफ दी अवव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ दी अवव। तो ये जो तीनों ही हैं वो क्या है, कवकनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन ग्राफ्टिंग इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन। तो जो स्टोन ग्राफ्टिंग होती है वो व्यावसायिक विधि किसमें है, प्रसार करने की व्यावसायिक विधि कौन से क्रॉप की होती है। ऑप्शंस हमारे पास हैं बेर, आंवला, आम या फिर अमरूद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो कि है मैंगो, आम में ही किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टोन ग्राफ्टिंग की तो जनरली बहुत सिंपल होता है इसको, ये जो कमर्शियल मेथड होता है प्रोपोगेट करने का मैंगो का, तो ये जनरली सिंपल होता है, चीप होता है और क्विक मेथड होता है, तो इसलिए इसे रिकमेंड किया जाता है। और इसका जो सक्सेस रेट होता है वो भी अराउंड 75-80% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का सबसे प्रचुर रूप कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म कौन सा है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए या फिर नन ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे जो एमआरएनए है इट स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है आरआरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज डिफिशियंट इन, दूध में किसकी कमी होती है, कौन से वाइटामिन या फिर प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, प्रोटीन या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है वाइटामिन सी, ठीक है। तो मिल्क में वाइटामिन सी नहीं होता है और मिल्क में बेसिकली कौन सा वाइटामिन पाया जाता है, वाइटामिन ए पाया जाता है। 16th क्वेश्चन है, मैंगो वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इन, आम को भारत का राष्ट्रीय फल कब घोषित किया गया था, कौन से ईयर में इसे तो जो 16th क्वेश्चन है वो है, मैंगो वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इन, तो आम को भारत का राष्ट्रीय फल कब घोषित किया गया था। ऑप्शंस हमारे पास है 1750, 1851, 1950 या फिर 1980। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो कि है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होली फ्रूट, होली फ्रूट किसे गया कहा गया है। ऑप्शंस हमारे पास है बनाना, आम, बेल या फिर जामुन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है बेल, ठीक है। तो बेल को हम बोलते हैं होली फ्रूट। 18th क्वेश्चन है, डैश सेब से प्राप्त किया गया पेय या फिर शराब कौन सा है। ऑप्शंस हमारे पास है छुहारा, विस्की, साइडर या फिर फेनी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो कि है साइडर। ट्राइकोग्रामा इज, जो आपको बताना है कि ट्राइकोग्रामा क्या है। ऑप्शंस हमारे पास हैं कवक, जैव कीटनाशक, कीटनाशक या फिर कीटाणु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है इंसेक्ट। तो ट्राइकोग्रामा क्या है, बेसिकली एक इंसेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट इज, तो जो पाइनएप्पल फ्रूट है उसका परिवार कौन सा, उसका जो फैमिली है उसका नेम क्या है, रोमनेसी, रुटेसी, ब्रोमीलिएसी या फिर माइरेटेसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है ब्रोमीलिएसी। अगर हम बात करें पाइनएप्पल के डिफरेंट वैरायटीज़ की, तो जो इसकी एक वैरायटी होती है क्वीन वैरायटी, बहुत फेमस वैरायटी है, और जनरली इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, हिली रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, हिली रीजन्स में ग्रो किया जाता है और ये अर्ली वैरायटी है। और अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की इसकी बात करें पाइनएप्पल की, तो क्यू करके एक वैरायटी होती है और ये लीडिंग कमर्शियल वैरायटी है, तो इसको इसका नाम भी आपको याद रखना है। एट लास्ट मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगी कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं आकलन ऐप से, जहाँ पे आपको 5 टेस्ट मिलेंगे और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 250 रहेंगे और मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा, ओके। और जल्द ही हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट लाइव कर देंगे।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।